दर्शक हैं और लगातार आप लोग छापसंग चुनावों की कवरेज देख रहे हैं हमारे साथ। और आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाएंगे जिनका इस छापसंग से काफ़ी लंबा जुड़ाव रहा है, पुराना जुड़ाव रहा है, और ऐसे अमूल्य क्षण इनके पास हैं, उन्होंने जिया है साथ में, जो शायद ही किसी छात्र ने, किसी अधिकारी ने, किसी विश्वविद्यालय के किसी यहाँ मौजूद व्यक्ति ने जिया हो। हमारे साथ यहाँ छापसंग भवन के नज़दीक यहीं पे सटे हुए एक कमरे में, छोटे से कमरे में चाय की दुकान रखती हैं, दशकों से चाय की दुकान है, हमारे साथ भौजी हैं। चुनाव कितना बदल गया है, आपको क्या लगता है, आप कितना चुनाव किस तरीके से चल रहा है? भैया हमने 2004 से चुनाव देखते चले आए हैं। आपके चुनाव में बहुत पहले के चुनाव के चुनाव में बहुत बदल गया, काफ़ी बदल गए, काफ़ी बच्चे बदल गए। जिस प्रकार पहले चुनाव होता उस प्रकार अब चुनाव नहीं होता ना, जिस प्रकार पहले चुनाव होता था मान सम्मान इज्जत सब छात्र नेता इकट्ठा होते तब उस प्रकार बच्चे इकट्ठा भी नहीं होते और न उस प्रकार चुनाव होता। क्या लगता है जब छात्रसंघ अध्यक्ष ऋचा सिंह चुनी गई थी, पहली महिला छात्रसंघ अध्यक्ष थी, और आपके पास आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो किस तरह से देखती हैं आप, कैंडिडेट होना कैसा चाहिए, आपको क्या लगता है? भैया देखिए, कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान गरीब की मदद करें, जो इंसान वादा देता उसके लिए मदद करें। आप ये नहीं है कि अब आपने कह दिया आपने अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, महामंत्री बन गए, फिर गरीब को आप भूल जाते हैं। यहाँ पे जितने हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देखा, मेरे को आश्वासन देते हुए भाभी मैं जीत जाऊंगी तो मैं आपका ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, या भैया जीत जाते हैं तो मुझसे बोलना भी बंद कर देते हैं और चाय लेना ही बंद। अच्छा, एक खास बात ये है कि भौजी ने जिस जिस को आशीर्वाद दिया है वो विजयी हुआ है, और क्या लगता है आशीर्वाद देने का मन करता है कि नहीं करता? बेटा इस बार तो मैं अपने दिल से मैं किसी बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया, बच्चे आते हैं भाभी मेरे को आशीर्वाद दिए, हमने कहा कि माँ की 10 औलाद होते हैं तो 10 की उंगली बच्चे के ऊपर रखते हैं, अब जीते अपने भाग से हारे अपने भाग से, मैं किसी को अपने दिल से अपने आशीर्वाद हमने दिया। पुलिस आ जाती है विश्वविद्यालय में, बंद हो जाता है, पुलिस आ जाती है, छावनी बन जाती है, कैसा लगता है आपको इस चुनाव से? हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है हमको, हमने बोला ना। और सुनिए भैया, अरे कोई वाक्य याद है आपको छासन चुनावों का, कोई ऐसा किस्सा याद है जो बहुत ही पुराने वाला ना हो, अभी भी याद आता हो दिमाग में, कभी का कोई कहानी याद है कोई छोटी सी, कुछ चुनाव की आप दुकान खोली रही हो, कोई आया हो, कुछ इस तरह की कहानी है क्या? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को सब नेता मान सम्मान इज्जत प्यार मोहब्बत सब, चाहे नए हो या पुराने हो, पुराने भी आते हैं तो बड़े इज्जत प्रेम से बोलते हैं, और नए भी तो बच्चे भाई हैं वो भी प्रेम से बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि जो पहले का चुनाव चुनाव था, अब के चुनाव में एक भी कुछ वो नहीं बता, कोई रस नहीं, नहीं कोई रस नहीं। पहले कितने अच्छे नेता रहते, दमदार नेता रहते कि हर प्रकार का चुनाव को मालूम होता था, अब के चुनाव में कोई मालूम ही नहीं है। उन छात्रों से क्या कहेंगे जो वोट डालने वाले हैं, उनसे आप क्या संदेश देंगे, उनको कैसा व्यक्ति चुने वो लोग, उनको क्या संदेश देंगे? भैया व्यक्ति ऐसे चुने कि जो गरीब बच्चे की मदद करे, जो बच्चे का हर चीज़ का बात सुने उसका चुना जाए, कि कोई ऐसे हाँ हवा हवाई बोल दे कि हम करवा दें करवा दें, और जीत जाए तो बच्चे लोग को कोई सुने भी ना। जैसे हमारी ऋचा बिटिया रही हैं, रोहित भैया रहे, आदि तो क्या नाम है आपके, अवनीश रहे, केटी तो बेचारे दुनिया से आ जाए, भूपेंद्र रहे, दिनेश भैया रहे, हमारा कोई बात नहीं सुना, मेरी कोई मदद नहीं किया। तो भौजी का दर्द भी जायज है, क्योंकि उनकी जो मीठी सी चाय है, गर्मा गर्म चाय जो पक रही है हमारे लिए भी, अब कितनी इनका जो कहना है कि कोई भी अध्यक्ष बनता है तो कहने के बाद भूल जाता है, सीखा जा सकता है, क्योंकि छात्रों से भी कई वादे होते हैं। मैं अपने कारण से कहूँगा कि चाय पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि भौजी की चाय भी काफ़ी फेमस है, और ये चाय शायद वही चाय है जिसको गर्मा गर्म सब लोग पीते हैं। चाय पी के आई है, सरकारी में बने हैं, कितने मंत्री बने, कितने विधायक, और कितने चाय पी के जेल की रोटी भी खाए। लगातार देखते रहिए न्यू इंक।